म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंग अलोंग विद रेनित में एक नए एपिसोड के साथ। सिंग अलोंग, ए एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। आज हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं जो मैंने आपको अभी सब कुछ हरकतें जो गा के सुनाई। क्लासिकल म्यूजिक में एक जो आभूषण होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरी कहेंगे, अगर किसी औरत की मैं बात करूँ, अगर उसको आप सजाओगे तो आप ज्वेलरी ऐड करोगे, मेकअप ऐड करोगे, ये सब चीज़ें, तो ये मेकअप और जो ज्वेलरी वाली चीज़ें हैं, जो ऑर्नामेंटेशंस हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक गाने को इंटरेस्टिंग एक ऐसी शक्ल दे देते हैं कि वो बहुत सुंदर दिखती है। तो हम उस बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हैं मुर्गियों के बारे में, खटकों के बारे में, खटके क्या होते हैं, गमक क्या होता है, ठीक है, और कण क्या होता है। कण आपने सुना होगा, मींड आपने सुना होगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा वो है क्या। तो हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पूरे फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। आज मैं चाहता हूँ ये सारा आपका डाउट जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और जान पाएँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपने कोई भी क्लासिकल बंदिश सुनी होगी या फिर कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसा नहीं होता कि जैसे आप सारे गामा पा मा गा रे सा, यहाँ तक कि इनमें भी हम लोग सारे गा रे, अगर हम सीधा सीधा सरगम बोल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब समझ रहे हो, जैसे हम आरो अवरो भी किसी अगर हम बड़ा ख्याल गा रहे हैं या कोई भी ख्याल गा रहे हैं, तो हम उसको एक्सपेंड करते हैं, सुरों का विस्तार करते हैं, ताकि वो सुंदर लगे, सुंदरता बढ़े उसकी। तो इसलिए जब हम बॉलीवुड गाने भी गाते हैं, तो बॉलीवुड गानों में हम स्वरों का विस्तार तो नहीं करते, लेकिन हम जितना हमारे पास टाइम होता है, वो 2-3-4-5 मिनट जितने भी होते हैं, उसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो अगर मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ ऑर्नामेंटेशन की, किसी गाने की सजावट में जो पहला एक अंग है जो मैं कहूँगा, वो है कर्ण स्वर। कर्ण स्वर क्या होता है? वो स्वर जिसको हम कहेंगे घोस्ट नोट बोले तो, जो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फिजिकली प्रेजेंट हो, वो आएगा और वो चला जाएगा। जैसे भूत होता है ना, घोस्ट आता है और चला जाता है, उसी तरह ये नोट होता है। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं, सारेगा, देखो सारेगा रे रे, अगर मैं ऐसे कहूँ सारे, अगर मैं कहूँ सारे रे गरे गरे, तो इसमें मैंने क्या कहा, सारेगा सारेगा सारे सारे की जगह सारे, तो इसमें मैंने गा का कण डाल दिया रे पे, तो रे ऐसा सुनाई दे रहा है। नॉर्मली रे क्या होगा, सा रे 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 रे, लेकिन मैं अगर बोलूं रे रे रे, तो मैंने गरे गरे गा का कण उसमें डाल दिया। बोल मैं रे रहा हूँ, लेकिन गा का भी कुछ मैंने कण ले लिया है उसके स्वर का, ठीक है। देखो सारे गा सारे गरे गरे, तो मैंने बोला रे ही, ज़्यादातर जो मैंने रे का ही सुर गाया, लेकिन मैंने गा का एक कण ले लिया, ताकि वो सारे रे सुंदर लगे, ठीक है। तो ऐसा बॉलीवुड गानों में भी यूज़ होता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, ये मोह मोह के धागे, अब इसमें जो के बोला है, इसमें कण है, देखो देखो, नीरे नीरे गा गा
पगसानी ये मोह मोह के। अब इसमें के क्या करे? पागा गा पागा गा पागा ये मोह मोह के धागे गा पागा रे सानी। ठीक है, तो इसमें क्या करा है? गा के साथ पा का कर्ण लगाया है। ये मोह मोह के देखो गा पागा सानी ये मोह मोह के धागे के। इसमें कर्ण लगा दिया पा का। ठीक है, तो ये होता है कर्ण स्वर। और इसी को अगर हम स्लो किसी गाने में यूज करें तो उसे हम मीट बना देते हैं। मीट क्या होता है? एक नोट से दूसरे नोट, एक स्वर से दूसरे स्वर में जाना बिना उसको तोड़े, उस लाइन को ना तोड़े, एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाना बिना किसी ब्रेक के। कैसे? सा पा सा पा पे आगे। ठीक है, सा पा आ, तो मैंने कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया लेकिन पहुंच गया वहां। इसे कहते हैं मीड। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दिन ढल जाए है रात न जाए। ठीक है, अब इसमें जो मैंने बोला दिन ढल जाए रात, देखो रा, देखो सा वा, ब्रेक नहीं है, रा रात ना रात ना, तो मैंने ब्रेक नहीं करा, ये मींड है। और इसके अंतरे में भी जाके आता है प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम के ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को थाम। तो अब देख रहे हो मींड का कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इस गाने में। तो अगली बार जब आप इस गाने को सुनो तो ये नोट करना कि कितने आराम से वो ग्लाइड कर रहे हैं एक नोट से दूसरे नोट में। इसको कहते हैं मींड। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप गानों में और ब्यूटिफिकेशन कर पाओगे, गाने और सुंदर बना पाओगे। ठीक है, तो ये कर्ण बता दिया मैंने आपको। कर्ण को, कर्ण में एक नोट दो नोट कवर होते हैं और मीड में एक अच्छे खासे नोट्स कवर हो जाते हैं, जैसे सा से लेकर पा तक के नोट्स कवर हो गए। ठीक है, उसी के अंदर, एक मीड के अंदर, तो मीड हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ गमक। गमक के साथ गाना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि गमक के साथ तो गमक क्या होता है? जब हम सारे गामा सारे गामा, हम सारे गामा ऐसे भी बोल सकते हैं, सारे गामा और सारे गामा सारे गामा ऐसे भी गा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो गंभीरता के साथ जब हम ऐसे झटका मारते हैं, इस झटके को हम बोलते हैं खटका। ठीक है, इस खटके को जब हम मारते हुए गाते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम गमक कहते हैं। ये गमक के साथ गाना, इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने को तो हम बोलते हैं साइकिलिंग, लेकिन जो पैंडल मारना होता है ना वो होता है खटका। और पूरा प्रोसेस क्या हो गया? साइकिलिंग गमक। तो बस इतना सा डिफरेंस है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गमक और खटका, खटका गमक क्या है, यही है बस, इतना सा समझ जाओ। जो एक्शन है वो है खटका, जो प्रोसेस है वो है गमक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इन चीज़ों में मैं। ठीक है, अब खटके के लिए क्या प्रैक्टिस करें? सारे सा आ आ, आ। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप गा सा रहे हो तो आपको सिर्फ खटका देना है। खटका देने के लिए हम रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे सा आ आ आ आ आ सारे सा सारे सा 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 सारे सा आ, ऐसे ही रे गा रे आ आ आ, 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 जल्दी से गा के आ जाना, एक आघात दे के आ जाना, एक जरा सा पुश दे के आ जाना है उसको, सरे सा। ठीक है,
आ जल्दी से आ आ आ, आ। जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ आ, थोड़ी गंभीरता से गाना लेकिन भारी आवाज से आ आ आ ना करके आ आ, तो यही धीरे धीरे गमक, ये खटका जो है वो गमक का रूप ले लेगा और आप फिर गमक से सारे गम अपाधा नहीं से करोगे। आ, 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 ऐसे गाओगे तो ये हो गया गमक। अब मैं बताता हूँ आपको मुरकी और हरकत क्या होता है। ठीक है, ये भी एक वास्ट टॉपिक है, ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको एक अलग अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि मुरकी और गमक मुरकी और हरकत क्या होता है। देखो शॉर्ट में बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ, मैं काम करता हूँ इस वीडियो में आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत बड़ी वीडियो चाहिए इसके लिए, एक एक टॉपिक पे समझ आने के लिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं मुरकी का एग्जांपल दूँ तो हम जैसे अभी से गाने को ले लेते हैं, जैसे दिन ढल जाए गाना, इसमें मुरकियाँ यूज हुई हैं, दिन ढल जाए जाए ये जाए, ये एक मुरकी है, दिन ढल जाए आ आ आ, दिन ढल जाए जाए आए आ आ, ये एक मुरकी है, दिन ढल जाए हाय रात न जा रात न जा जा आ आ आ आ, जब हम इसको धीरे कहेंगे आ फास्ट कहेंगे आ तो ये मुरकी बन जाएगी, और जब हम बहुत सारी मुरकियाँ मिला देते हैं तो वो एक हरकत बन जाती है। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है, छोटी छोटी मुरकियाँ मिलके हरकत बनाती हैं। ठीक है, समझ गए, कर्ण बहुत सारे अगर हम स्लो करके गाएं कर्णों को और बहुत सारे नोट्स कवर कर दें तो वो मींड बन जाती है। ठीक है, और खटका अगर हम खटके के साथ गाएंगे, खटका करते हुए गाएंगे तो वो गमक के साथ गाना हो जाता है। तो इनका रिलेशन आपको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, अब एक एग्जांपल दे रहा था आपको इसका, किसका, मुरकी का। देखो मुरकी यहाँ पर है, मुरकी मैंने आपको बता दी दिन ढल जाए से, अब हरकत देखो। अच्छा मैं आपको एक गमक का भी एग्जांपल दूंगा उसके बाद। अब देखो मुरकी मैंने आपको बता दी दिन ढल जाए में, जिस तरीके से वो हरकतें हैं वो मुरकियां होती हैं, सॉरी वो मुरकियां होती हैं, हरकत क्या होती है, अब देखो हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पेली है पेल, ये जो करा मैंने, थोड़ी सी जो पेली, ये है मुरकी। अब डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, ये जो मैंने करा, ये बहुत सारी मुर्कियां हैं लेकिन इसको ओवरऑल हम बोलेंगे हरकत, एक हरकत ली है मैंने, डाका तो नहीं डाला डाका, ये एक मैंने हरकत ली है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गमक के साथ गानों में कैसे यूज होता है। जैसे कि आपने गाना सुना होगा, एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान, अब इसके अंदर से पहले आता है आ, अब इसको ऐसे गाते तो तो मजा नहीं आता, तो हमने गमक के साथ गाया। ठीक है, इसको सॉफ्टली गाते रहे तो वो इम्पैक्ट नहीं आता, तो गमक के साथ तो ये एग्जांपल है गमक का कि गानों में भी ये यूज होता है। तो आई एम श्योर आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, एक आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी गमक को लेके, मुर्की को लेके, मीट को लेके, कर्ण को लेके, और ये जो खटका होता है ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को बार बार देखो, समझो कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया है, आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इंडिविजुअल वीडियोस का भी बनाऊंगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रैक्टिस करो इसको। ऑलराइट, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगी, एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज, कीप लविंग, कीप कॉमेंटिंग, कीप राइटिंग, आई जस्ट लव टू सी योर कॉमेंट्स इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़। ओके, so keep writing, thank you so much, so this was Ranjit Singh signing off, tada.